हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अभी तक हमने जो भी वीडियोज बनाया है, जो भी लेक्चर दिया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो तो इम्पोर्टेंट था ही। आज का क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आगे जो चैप्टर्स है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें भी ये सब्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप जान गए इस सब्स्टिट्यूशंस को, तो आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में ये बहुत ही इजी लगेगा। ओके, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान से आपको देखना है और सारे सब्स्टिट्यूशंस को याद रखना है। तो कभी कभी हम लोगों को कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिया, प्रॉब्लम दे दिया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू मेक द सब्स्टिट्यूशंस। ओके, जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशंस के लिए देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स में इस टाइप का कोई फॉर्म है कि नहीं। तो टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करेंगे, टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म वी हैव टू मेक द सब्स्टिट्यूशन। तो किस टाइप के प्रॉब्लम में कैसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर प्रॉब्लम में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे या बिना रूट का रहे, रूट के अंदर रहे या बिना रूट का रहे, कौन सा फंक्शन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और एक्स इज द वेरिएबल। तो अगर इस टाइप का फॉर्म अगर प्रॉब्लम में है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस क्या करेंगे, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, और एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा। एक्स के जगह ए साइन थीटा या एक्स के जगह ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स के जगह आप ए साइन थीटा पुट करते हैं, देन एक्स के जगह अगर ए साइन थीटा पुट करेंगे, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पुट कीजिए ए साइन थीटा, दैट बिकम्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप एक्स के जगह एक कॉस थीटा भी पुट करते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। सो दैट बिकम्स द फॉर्मूला। इसीलिए हम लोग इस टाइप के फॉर्म में, इस टाइप के जब भी फॉर्म आएगा वहाँ पे एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। ओके, नाउ कम टू सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। अगर प्रॉब्लम में ये फंक्शन रहे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या बिना रूट का रहे, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा, एक्स के जगह पुट करेंगे ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक्स के जगह आप पुट करते हैं ए सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। दैट बिकम्स द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे लाने के लिए हम लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, या तो एक्स के जगह ए सेक थीटा पुट कीजिए या एक्स के जगह ए कॉसेक थीटा पुट कीजिए। तो जनरली हम लोग एक्स के जगह ए साइन थीटा और एक्स के जगह ए सेक थीटा ही पुट करते हैं। ओके, नाउ कम टू थर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर प्रॉब्लम में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी रूट में रहे या बिना रूट में रहे, और दोनों के बीच क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पुट करेंगे ए टेन थीटा, एक्स के जगह पुट करेंगे ए टेन थीटा या एक्स के जगह पुट करेंगे ए कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि अगर आप एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट करते हैं,
एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट करेंगे दैट बिकम्स ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स द फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को ये सब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब आ जाइए सब्स्टिट्यूशन नंबर फोर। अगर प्रॉब्लम में ऐसा फॉर्म रहे, रूट में रहे चाहे बिना रूट में रहे, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, या a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, या इसी चीज़ को हम रूट के अंदर भी लिख दें, तो x के जगह क्या पुट करेंगे, x के जगह ऑलवेज पुट करेंगे a cos 2 थीटा। x के जगह हम लोग ऑलवेज पुट करेंगे a cos 2 थीटा, क्यों x के जगह a cos थीटा पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है तो इसमें x के जगह पुट करते हैं a cos 2 थीटा, ए कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस ए कॉस टू थीटा, ए और ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस टू थीटा। ओके, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। इस केस में टू टू कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को ये सब सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ता है। ओके, उसी तरह से अगर इस टाइप का फंक्शंस है तो इस टाइप के फंक्शंस में हम लोग और एक्स के एक्स स्क्वायर की जगह देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। इससे क्या होगा एक्स स्क्वायर की जगह आप पुट कीजिए ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस टू थीटा इसी फॉर्म में आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस टू थीटा के फॉर्म में ही आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन प्लस कॉस टू थीटा, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्वेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत जगह हम लोग अप्लाई करेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। तो इस तरह से ये सब अगर फंक्शंस रहा प्रॉब्लम में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू मेक दिस सब्स्टिट्यूशंस। ये सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखना है और जहाँ भी हम लोग को अप्लाई करना है वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है, या सिंपली प्रूव करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस है प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, या हमारे पास क्वेश्चंस है कि इस फंक्शंस को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहे तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए फंक्शंस को देखिए, इस फंक्शंस को देखिए, इस फंक्शंस को देख के बताइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फंक्शंस में अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्चुअली में किस फॉर्म में है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमको इस फंक्शंस को देखकर, इस टर्म को देखकर पता करना है कि ये इस फॉर्म में है,
तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, वन को क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन है। तो अभी जस्ट हमने बताया है कि अगर इस टाइप का फंक्शंस है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए क्या पुट करेंगे एक्स के जगह, ए टेन थीटा, और यहाँ पर ए की वैल्यू तो वन है, वन इंटू टेन थीटा, तो दैट इज एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर x के जगह क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। पुट करते हैं, नौ x के जगह tan थीटा पुट कीजिए, तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस x के जगह tan थीटा पुट करेंगे, दैट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय x के जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा। ओके, देन सिंप्लीफाई इट, टेन इनवर्स, देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा, इतना हो गया। देन टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, सेक थीटा, then this becomes sec theta minus 1 divided by tan theta। tan inverse, अब देखिए इस sec theta को और tan theta को sin cos में चेंज करना है, जैसे sec theta को क्या लिखेंगे, 1 by cos theta minus 1 divided by tan theta को क्या लिखेंगे, sin theta upon cos थीटा, देन बाई टेकिंग एलसीएम, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स साइन थीटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया और किस फॉर्म में ला दिया, इस फॉर्म में, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के फॉर्म में ला दिया। ओके, इसको फिलहाल रफ करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला याद रखिए, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय, और साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे टू थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा है, मतलब इस एंगल का जस्ट हाफ है। तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा कर दे, यहाँ पे थीटा कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाय टू हो जाएगा। तो साइन थीटा को हम लोग टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा का जस्ट हाफ यहाँ पे होगा, तो साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। ओके, देखिए टू टू कैंसिल, एक साइन थीटा बाय टू, एक साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू, साइन बाय कॉस कितना होगा, टेन थीटा बाय टू। अब टेन इनवर्स टेन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, दैट बिकम्स थीटा बाय टू, वन बाय टू। अब थीटा देखिए, थीटा तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, आंसर हमको किस फॉर्म में चाहिए, एक्स के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर तो हमको एक्स के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर x के जगह हमने क्या पुट किया था,
tan थीटा। तो जब x के जगह हमने tan थीटा पुट किया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देना है tan इनवर्स x। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस फंक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 tan इनवर्स x, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आंसर तो फाइनली x के टर्म में ही लाना होता है, तो x के टर्म में ये आ गया। सो दिस इज द, इन दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी याद रखना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, और सब्स्टिट्यूशंस इस तरह से करना है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें ये नहीं बोला है कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें सिंपली बोला है प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि हमको x के जगह sin थीटा पुट करना है या cos थीटा पुट करना है। तो आपको फंक्शंस देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 - x², यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 - x² को देख के पता करना है। अच्छा, x के जगह sin थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली किस फॉर्म में है, अंडर रूट ऑफ a² - x² के फॉर्म में है, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऐसे फंक्शंस के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करते हैं, और x इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर x के जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। तो पुट करते हैं LHS में, वी टेक द LHS। तो ये सब क्लू से पता चलेगा कि x के जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है या cos थीटा पुट करना होता है। तो पुट कीजिए, LHS में हम लोग पुट करते हैं साइन इनवर्स 2x × 1 - x², दिस इज द LHS। तो साइन इनवर्स 2 × x के जगह पुट कीजिए साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 - sin² थीटा, x के जगह साइन थीटा पुट कर दिए। नाउ दिस बिकम्स साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या होगा, cos² थीटा, अंडर रूट ऑफ cos² थीटा। ओके, साइन इनवर्स 2 sin थीटा और अंडर रूट ऑफ cos थीटा, सिंपली क्या लिखेंगे, cos थीटा। देन दिस बिकम्स साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब ये फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, 11th का फार्मूला है, ये तो याद रखना है। तो साइन 2 थीटा के जगह क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया, 2 थीटा, और 2 × अब देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x, दिस बिकम्स 2 sin इनवर्स x, दिस इज द RHS। यही तो लाना था हम लोगों को। तो इस तरह से आपको क्लू ढूंढना पड़ेगा, अगर फंक्शन ऐसा है तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है,
सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या कन्वर्ट राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चंस क्या है, कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, बताइए क्या पुट कर सकते हैं इसमें। इसमें फंक्शंस को देख के बताना है कि क्या पुट करेंगे। देखिए नीचे में क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किस फॉर्म में है, ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पे वन को भी हम लोग वन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो गया वन, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन में देखिए और बोलिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ए सेक थीटा, ए की वैल्यू तो वन है, एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एक्स की जगह हम लोग सिंपली सेक थीटा पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू सेक थीटा यहाँ पे पुट कीजिए, नाउ कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे सेक थीटा, दिस बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, नाउ कॉट इनवर्स वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स कॉट इनवर्स वन बाय टैन थीटा, नाउ कॉट इनवर्स और वन बाय टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो फाइनली आपको आंसर किस फॉर्म में लाना है, एक्स के फॉर्म में। तो देखिए इस क्वेश्चंस को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा सेक इनवर्स एक्स, एक्चुअली में सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉट इनवर्स के टर्म में कितना होगा, इतना ही होता है। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए राइट टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इस प्रॉब्लम को, इस फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। इसमें तो देखने से नहीं लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कुछ करेंगे, ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन करना नहीं होता है, कुछ अलग टेक्निक भी है जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी टेन इनवर्स के साथ कॉस और साइन दोनों प्लस और माइनस में रहे, ये चीज़ न्यूमरेटर में भी रह सकता है और डिनोमिनेटर में भी रह सकता है, ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस टाइप का फंक्शंस अगर है तो इस टाइप के फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शंस के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी कॉस एक्स से डिवाइड कीजिए और डिनोमिनेटर को भी कॉस एक्स से डिवाइड कीजिए, कॉस एक्स से डिवाइड कर लिए। अब इसको सेपरेट करते हैं, टेन इनवर्स सेपरेट कीजिए, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल होके वन, माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होगा टेन एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, ये हो जाएगा। ओके, नाउ टेन इनवर्स इस वन को,
इस वन को क्या लिखेंगे टेन के टर्म में, टेन पाई बाय फोर, क्योंकि टेन 45 डिग्री क्या होता है, वन होता है, माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय, इस वन को रहने दीजिए, वन को ऐसा ही रहने दीजिए, और इस टेन एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वन मल्टीप्लाई है, और इस वन को क्या लिखेंगे, इस वन को अगेन लिखेंगे टेन पाई बाय फोर और इंटू टेन एक्स। तो देखिए इस वन को हमने क्या लिखा, टेन 45 डिग्री, और इस वन को हमको ऐसे ही छोड़ देना है, और इस वन को यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, तो इस वन को फिर क्या लिख दिए, टेन 45 वन और टेन एक्स, ठीक है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि टेन इनवर्स ये एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, देखिए टेन ए माइनस टेन बी, अगर पाई बाय फोर को ए मान ले और एक्स को क्या मान ले, बी मान ले, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो बताइए ये किसका फार्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये तो फार्मूला बन गया किसका, टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का फार्मूला यही होता है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इस फार्मूला पर सेट करने के लिए हमने इस वन को टेन 45 डिग्री लिखा है, ओके। तो हम लोग इस टेन इनवर्स और टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी को सिंप्लीफाई लिख क्या लिखेंगे, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए की जगह पाई बाय फोर है, बी, बी की वैल्यू क्या है, एक्स। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, टेन ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गया, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स में। अब टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स पाई बाय फोर माइनस एक्स, दिस बिकम्स पाई बाय फोर माइनस एक्स हो जाएगा। तो और फाइनली एक्स के टर्म में आंसर भी आ गया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो गया, पाई बाय फोर माइनस एक्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ा है, लेकिन जब भी कॉस कॉस प्लस साइन या कॉस माइनस साइन रहेगा तो ऑलवेज न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली इसको हमको इस फॉर्म में, इस फॉर्मूला पे सेट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। अब इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अभी तक जितना भी सब्स्टिट्यूशन हमने बताया है उसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन मैच नहीं कर रहा है, तो कैसे समझेंगे कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मुझे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस फार्मूला पे सेट होगा, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे कि दैट बिकम्स द फार्मूला। जैसे साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो कोशिश करना है कि इस फंक्शन को साइन के टर्म में ला दें, जिससे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा आपको। या ऐसा कर सकते हैं, यह साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स को ही पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को ही क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लेंगे, क्योंकि इनवर्स का वैल्यू ऑलवेज क्या देगा, एंगल देगा, तो साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा पुट कर लो। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब देखिए एक्स की वैल्यू साइन थीटा आरएचएस में पुट करते हैं, नो फ्रॉम आरएचएस साइन इनवर्स थ्री, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ओके।
देन साइन इनवर्स, ये तो वेल नोन फार्मूला है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? sin 3 थीटा। साइन थ्री थीटा का फार्मूला है ये, साइन थ्री थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3 थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स 3 थीटा। और थ्री और थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट किया था? साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द LHS। तो इस तरह से फार्मूला पे, किस फार्मूला पे आ जाए ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। तो कभी x के जगह साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, कभी x के जगह कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, कभी x के जगह टेन थीटा भी पुट करना पड़ना कर सकता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। टेन इनवर्स 3a² x माइनस x³ डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3ax² इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखिए x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे कि दैट बिकम्स द फार्मूला। तो टेन इनवर्स है तो इसको कोशिश करना है कि टेन के फॉर्म में लाना, टेन के कोई फार्मूला पे इसको लाना है। तो x के जगह क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है, tan इनवर्स 3a² x के जगह पुट करते हैं a tan थीटा, माइनस x के जगह a tan थीटा पुट कीजिए, दैट बिकम्स a³ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3a इंटू x के जगह पुट करेंगे a tan थीटा होल स्क्वायर, x के जगह a tan थीटा। tan इनवर्स देखिए a³ यहाँ पे है, यहाँ भी a³ है, यहाँ भी a³ और a² इंटू a³। अगर a³ न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो क्या बन जाएगा, ये 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan² थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देख के पता चल गया होगा ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan a माइनस 10³ a डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan² a। ये एक्चुअली में किसका फार्मूला है, तो tan इनवर्स ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। और tan 3 थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 11th में पढ़ चुके हैं कि tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan² थीटा। तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा लिखेंगे। यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स 3 थीटा। और 3 into थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x अपॉन a। एक्चुअली में x इक्वल टू क्या है, a tan थीटा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a, दिस बिकम्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू हमने जस्ट पुट कर दिया tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3 into tan inverse x upon a, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फंक्शंस को देख के आपको पता करना है कि x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे। कभी x के जगह हम लोग जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में x के जगह हमने a sin थीटा पुट किया था,
यहाँ पर हमने क्या पुट किया, x के जगह a tan थीटा पुट किया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू मेक द सब्स्टिट्यूशंस। आई होप ऑल स्टूडेंट्स गेटिंग। देन आपको इस बेसिस पे जितने हमने बताया है इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करना है, डू द मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर लाइक कर रहे हैं तो उसको आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल पे अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।